गुड मॉर्निंग फैमिली, सभी को मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। बने रहे मेरे ब्लॉग में एंड तक। बच्चे को सुला दिया है अभी, तो वो सो रहा है। तब तक मैं अपना नेल्स कट कर लेती हूँ और थोड़ा नेल्स को ट्रिम भी कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया, टाइम ही नहीं मिलता नेल्स कट करने को। यहाँ मम्मी के गर्मी आने के बाद वीडियोस अपलोड करने में भी बहुत ही ज़्यादा वो दिक्कत हो रही है, क्योंकि इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है। तो एक एक वीडियो अपलोड करने के लिए मुझे 2 दिन लग जाता है लगभग, कोई कोई का तो और भी नेट स्लो होने से 3 दिन भी लग जाता है। तो देखते हैं ये वीडियो कब अपलोड होगा। तो ऑब्वियसली इसका भी 2-3 दिन के बाद ही आप लोग देख पाएंगे। फिर भी आप लोग का प्यार और आप लोग का सपोर्ट हमेशा मेरे साथ बने रहे हैं। मेरे साथ ऐसे ही आप लोग मेरे साथ बने रहो, मुझे सपोर्ट करते रहो। ऑब्वियसली मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करती हूँ, आप लोग की वीडियोस देखती हूँ। तो ऐसे ही क्या करें, हम लोग बहुत ही छोटा सा क्रिएटर है, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके हमें भी ऊपर उठना है। तो वीडियो कंटिन्यूसली हमें देते जाना है, कॉन्स्टेंटली रखना है हमें। तो मैं कोशिश करती हूँ कि डेली का ब्लॉगिंग, डेली वीडियोस में अपलोड करो, लेकिन नेटवर्क की वजह से मैं अपलोड कर नहीं पाती। फिर मेरे साथ बने रहो और मुझे सपोर्ट करते रहिए। ऐसे ही आप लोग के सपोर्ट, आप लोग के प्यार मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरी अभी तक कम ही बहुत बहुत ज़्यादा कम सब्सक्राइबर्स है और बहुत बहुत ही कम मुझे देखते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। मेरी वीडियोस में कुछ सुधार करनी है तो प्लीज़ आप लोग मुझे बोलिए, बेझिझक होके मैं ट्राई करूँगी मैं अपनी वीडियोस को और भी अच्छा क्वालिटी बनाने के लिए और भी अच्छा अच्छा कंटेंट लाने के लिए। हाय हिंदी, हाय हिंदी मामा, हाय कक सदे, हाय हिंदी, हाय बोलो मामा, हाय हिंदी। मेरी मामा सिर्फ 1 साल की है, वो हाय भी बोलती है। नरिया हेलो, हाय दे। अभी वीडियो कॉल चल रहा है दीदी लोगों के साथ। बोलो मामा। हेलो दीदी, बोलो। हाय तारो लीफ बनाने के लिए हमने तारो लीफ को छोटा छोटा करके काट लिया है, रेडी कर लिया है। और यहाँ मैंने रेडी कर लिया है ग्रीन चिली और रोटेन फिश। तारो लीफ को डालेंगे, डाल दिया है तारो लीफ, स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक। अभी ढक्कन बंद करके बिठा देंगे चूल्हे पे। बिठा दिया है हमारे तारो लीफ को, अब इसको लो फ्लेम कर देंगे, क्योंकि हम तारो लीफ को बना रहे हैं विदाउट वाटर। 10-15 मिनट के बाद हम इसको हिलाते रहना है, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देना है। जब तक तारो लीफ नरम हो जाए तब तक हम स्नेल का जो ये बैक है उसको कट कर लेंगे। ऑलरेडी ये वॉश किया हुआ है नमक डाल के, नरम होना शुरू हो गया है, उसका बॉडी से पानी निकल रहा है। ये पानी को पूरा क्लियर से सूखने देना है, थोड़ी देर बाद डाल देंगे स्नेल। हो गई रेडी हमारी स्नेल, इसका बैक को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। रेडी है हमारी स्नेल, हमारी स्नेल रेडी है तारो लीफ में डालने के लिए। थोड़ी देर के बाद हम इसको डाल देंगे, इस तरह का हो गया है और मैं डाल दूंगी स्नेल और इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देना है। और तारो लीफ निकालने से पहले हम ये पत्ता दे देंगे, हम इसको बांता बोलते हैं, पता नहीं आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। ये देखने में थोड़ा तुलसी पत्ता जैसा होता है, लेकिन बिल्कुल भी तुलसी पत्ता नहीं है, इसका सेंट बहुत ही अलग है। जो कुरियंडर हम यूज़ करते हैं वो इसी तरह का है। तो हम यहाँ डाल देंगे हमारे मिस्टीरियस कुरियंडर, अब इसको थोड़ा हिला के निकाल देंगे।
हो गई रेडी हमारी टारो लीफ स्नेल का रेसिपी। आज का मेन्यू है ड्राई बैम्बो शूट का चटनी। ड्राई बैम्बो शूट किस किस को पसंद है प्लीज कमेंट करके बताइए, मुझे तो बहुत बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये बहुत ही यमी यमी टेस्टी बना है। और है हमारे मेन्यू में बिटर गॉट पोटेटो और ड्राई फिश का स्ट्यू जो मुझे बहुत बहुत पसंद है। और यहाँ है तारो लीफ और स्नेल का रेसिपी जो विदाउट ऑयल बना है। और यहाँ पर है ऑनियन और ड्राई चिल्ली का चटनी। अगर मेरी वीडियो को पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ आप सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।